चलिए, मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है, तो क्या बताएंगे? ग्राम बिल्कुल विकास मंत्रालय। ध्यान रखें, ग्राम विकास मंत्रालय का एक पहल है, ठीक है। न्यूनतम आय गारंटी कानून वाले, ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे? राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। लिख दीजिए, बाकी जो यूरिटेरिया का जो 800 में से जो बचा हुआ है उसका 400 मतलब शुरू होने जा रहा है, ठीक है। ये जो टेरिया है या टेरिया है फिर कि ये स्पीडी है। स्पीडी और है स्पीडी 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 सॉरी, ठीक है। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के मतलब इलेक्शन के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया, क्या बताएंगे? इंडिया। ठीक है, ध्यान रखें, इंडिया के नाम से बनाया। किस नाम से बनाया? इंडिया के नाम से बनाया, ठीक है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? प्रदेश का एनी अवार्ड क्या हो जाएगा, दीप तो बताएं क्या हो जाएगा? थल, क्या नाम है इनका? थलपिल प्रदीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिख देता हूं मैं, ठीक है। ज्वाइन पर प्रदेश रेस्ट 400 इडुटेरिया, सॉरी सॉरी, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है सर? बता दीजिए कोई आदमी। ये इंटरनेशनल क्या था? नहीं, इंटरनेशनल तो कुछ नहीं है, नहीं, रुकिए। इंडिया डेमोक्रेटिक अलायंस करके कुछ इंडिया था लास्ट में। डेमोक्रेटिक ये अलायंस है लास्ट में। हाँ वो तो इंक्लूसिव पता है, पूरा अलायंस है। बताइए ना। हाँ, इंक्लूसिव अलायंस है। इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट भी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, यहाँ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट, हाँ हाँ सर, हाँ डेवलपमेंट है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, नहीं, आ जाएगा कोई एग्जाम में कोई ठीक मेरे नहीं को है। ये पता ठीक है, ठीक है। सर, जदयू इसका पार्ट है तो ठीक है, मे भी आ जाए, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट विराट कोहली। कोहली, ठीक है, चलेंगे। ठीक है, वर्ष 2024 में, ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार में 69वें संस्करण का मेजबान कौन रहेगा? गुजरात, गुजरात। ठीक है। चलिए, इन्वेस्ट इंडिया की नई MD CEO कौन बने इन्वेस्ट इंडिया की? नेहरू पत्तीराम। आंसर जरा देखते रहिएगा, ठीक है, क्रॉस आंसर जरा देखते रहिएगा, ठीक है। निवृत्ति राय, ठीक है। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर किया गया, क्या बताएंगे? बिल्कुल शाहरुख ध्यान रखेंगे, शाहरुख खान, क्या बताएंगे? शाहरुख खान, बहुत सुंदर, ठीक है। आगे, खान। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली महिला अधिकारी का नाम बताइए, क्या है? लिंचा फ्रेंचेटी। लीजा फ्रेंचेटी, ठीक है, लीजा फ्रेंचेटी, आपको बताना, ठीक है। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य निर्णायक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था, क्या बताएंगे? मनसुख मंडाविया। मनसुख मांडविया। मांडविया, ठीक है, ध्यान रखें, मनसुख मांडविया, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? शशांक सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। अरुण साईराम, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया, क्या बताएंगे? एशियाई सफरिंग, ठीक है, एशियाई सफरिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया था, क्या बताएंगे? माली। सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था, क्या बताएंगे? जापान। 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 चलिए, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी मतलब नामक योजना मतलब लेकर आई, क्या कर्नाटक बताएंगे? केंद्रीय कर्नाटक मंत्री नितिन गडकरी जी की बात करेंगे तो ठीक है, तो किस राज्य में 6500 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की, तो क्या बताएंगे? 65 नहीं 5600। करोड़ यूएस राजस्थान सबसे में। छात्र शहर, ठीक है, 2024 रैंकिंग में कौन सा शहर भारत के शीर्ष पे है, तो क्या बताएंगे? मुंबई। मुंबई, ठीक है। किस भारतीय कंपनी मुंबई ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल, ठीक है, गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की, तो क्या बताएंगे? टाटा टाटा सन, ठीक है। विंबलडन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो क्या बताएंगे? मार्केटा सन्स बोंदरोसोवा, ठीक है। चलिए, 16 जुलाई 2023 महिला को का। भारत, बिल्कुल ठीक है, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो क्या बताएंगे? 95 विंबलडन 2023 के पुरुष एकल के खिताब का विजेता कौन है, तो क्या कार्लो कार्लो बताएंगे? कार्लोस कार्लो अल्कराज है, ठीक है, कार्लो अल्कराज, जर्मनी का है ना कार्लो साहब? नहीं, कहाँ का है? स्पेन होगा, स्पेन। चलिए, ठीक है, सभी भारत ने किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन में टाइटल जीता, तो क्या बताएंगे? लक्ष्य सेन। अच्छा, ठीक है, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर प्रस्तुति तंत्र विकसित करने के लिए MOU पे हस्ताक्षर किया, तो क्या बताएंगे? जापान। जापान। भारत का G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ पे हुआ, क्या बताएंगे? केवड़िया, गुजरात। केवड़िया, ठीक है। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी के सुपर जी शतरंज टूर्नामेंट जीता, तो क्या बताएंगे? अर्पण। सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया, तो क्या बताएंगे? हिमाचल हिमाचल प्रदेश।
नॉर्थ चैनल पार करने के लिए सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ठीक है, क्या बताएंगे? बिल्कुल अंशुमन झिंगरन बने हैं। ठीक है, अमृत महोत्सव, ठीक है, एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की थी, क्या बताएंगे? मंडेला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, क्या बताएंगे? नेल्सन मंडेला दिवस। देखो, किस देश को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? फ्रांस का थी, बहुत सुंदर। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाते, क्या बताएंगे? 12 जुलाई को। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, क्या बताएंगे? एश्ले गार्डनर। ठीक है, 2 जुलाई को नबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? बिल्कुल हाँ, 2 मंथ का नहीं मिला, बताने 2 जुलाई को नबार्ड ने अपना कौन सा दिवस मनाया, क्या बताएंगे? बारह जुलाई 1982 में, 82 या 1882 है ना नबार्ड। अरे सुनिए ना, 1982 में जोड़ना लीजिए 42 साल, 2 2 4, 8 4 12 2 0 2 2024, कैसे होगा? ऐसा ही होगा, 1982 ही होगा। एनएलए पासपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है, क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, क्या बताएंगे? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी का सैन्य उपकरण विकसित करने का समझौता किया, क्या बताएंगे? चलिए, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बन गई, क्या बताएंगे? मार्केटा बंदरोसोवा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत सुंदर। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया, किस राज्य में स्थित है वीर सावरकर जी का एयरपोर्ट? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों का बैठक कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? गांधी ने। किस राज्य लोगों का आवाज क्यों नहीं आ रहा, सो रहे क्या? सभी लोग माइक खोल के बोलिए। ठीक है, किस राज्य ने हाल में, ठीक है, नानचिंग ग्रांजिंग उत्सव बनाया, तो क्या बताएंगे? सुनने आते हैं चांचिंग ग्रांजिंग। ठीक है, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, क्या बताएंगे? हसरंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, युवा वर्ल्ड। ठीक है, बात करना युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई, क्या भारतीय खिलाड़ी कौन बने, क्या बताएंगे? बिल्कुल पार सालों के बनी है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, क्या बताएंगे? क्लियर सर, 11 जुलाई को मनाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नया अध्यक्ष कौन बन गया, तो क्या बताएंगे? के राजा रमन बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नया अध्यक्ष कौन बने, तो क्या बताएंगे? एपीसी ने। ठीक है, किस राज्य संसाधित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया, क्या बताएंगे? ने, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है, तो क्या बताएंगे? राफेल कहाँ से मंगाएंगे, रूस से मंगाएंगे कि फ्रांस से मंगाएंगे, मुजफ्फरपुर से मंगाएंगे? फ्रांस से मंगाएंगे। ठीक है, पैरा एथलीट विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है, तो क्या बताएंगे? निषाद कुमार ने जीता है। किसने जीता है, तो ध्यान रखेंगे, निषाद कुमार ने जीता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, किसने जीता है? निषाद कुमार ने। सभी लोग बोलिए, इसको 4 बार 5 बार करवाना है एग्जाम से पहले, ठीक है, ताकि 12-14 क्वेश्चन हाँ। किसे हाल में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार से मतलब प्रदान किया गया, क्या बताएंगे? कैसे आएंगे गोल्डन पीकॉक अवार्ड किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से, महिला सशक्तिकरण से, ध्यान में रखिएगा, पर्यावरण प्रबंधन से। ठीक है, अडानी का ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, वैश्विक खाद्य निमायक शिखर सम्मेलन भारत की पहली बार किस शहर में आयोजित की गई, क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। ठीक है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल को लॉन्च किया, क्या बताएंगे? सिंपलीफाइव। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, भारतीय ओलंपिक समिति ने नेशनल एशियाई खेलों में ट्रायल में छूट दे दी, क्या होगा? पुर्णिया। 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है, क्या बताएंगे? विक्टोरिया। तो नीति आयोग द्वारा जारी तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, तो क्या बताएंगे? रखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, लिथुनिया ने भारत में पहले अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया, तो क्या बताएंगे? देवेश उत्तम। क्या
चलिए, एडीबी ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा था, क्या बताएंगे? 14.4 6.4 हाल ही में किस राज्य ने भारतीय राज्य में हरेला पर्व को मनाया गया था, क्या बताएंगे? उत्तराखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरे हरियाली, अच्छा हरियाली है क्या? नो सर, नहीं, हरियाली एक जगह मनाया जाता है शायद जम्मू कश्मीर में, क्या नहीं, नो सर, दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में हरियाली, छत्तीसगढ़ हरेला, हरेली हरियाली की है एक। एलिफेंट, संध्या वास नो मेडिकल इलेफेंट 2023 में भाग लिया था, क्या बताएंगे? मंगोलिया, मंगोलिया, जितने भी नए लोग हैं, ठीक है, कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, तो ऐसा करना है आपको, यहाँ पे एक चैन प्रियंका शर्मा जी, आपकी आवाज लेट से आ रही है, आप कट कर दोबारा आइए, ठीक है? चलिए, यस यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना, ऊपर में एक लिंक दिया होगा, ठीक है, पिन किया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद या फिर, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मतलब मैंने जो स्पीडी करेंट अफेयर्स 800+ लिखा है, वो ग्रीन वाले पे क्लिक करेंगे तो उस पे भी आपको वो लिंक, वहाँ पे भी आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है? सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जो भी नए लोग हैं, ताकि वहाँ पे पीडीएफ भी है, डेली करेंट अफेयर्स भी आपको वहीं पे मिलेगा, सब कुछ वहीं पे मिलेगा, ठीक है? सर। चलिए, आज आपको एक चीज और भी कराया जाएगा, ठीक है, एडिटोरिया का जितने भी करंट अफेयर्स है, ऑब्जेक्टिव अभी तक जो हुए वो सारे करवा दिए जाएंगे, ठीक है? आईएसएसएफ शॉर्ट गेंद वर्ल्ड कप किसने की खिताब जीता, क्या बताएंगे? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज टोंडियम ने, ठीक है, किसने हाल में नेशनल मल्टी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी की, तो क्या बताएंगे? नीति आयोग, मल्टी डायमेंशन, क्या होगा, नीति आयोग, ठीक है, ध्यान में रखें, नीति आयोग, ठीक है, ध्यान में रखें किसने, तो नीति आयोग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, हाल ही में किस खेल ने, ठीक है, संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल को अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, बताइए? क्रिकेट, 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 ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार से सम्मानित किया, तो क्या बताएंगे? ठीक इंडियन एथलीट्स महासंघ, है, लॉर्ड हनुमान ने किस चैंपियनशिप का, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर मतलब बनाया गया, बताइए कौन सा है? एशियाई एथलेटिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, चैंपियनशिप, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, इनसे बारे एथलेटिक्स कौन हो सकते हैं? चलिए, बांग्लादेश, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की, ठीक है, क्या बताएंगे? बांग्लादेश, ग्लोबल ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत ने 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो क्या बताएंगे? एक सौ 126 126वां, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, नौवां अस्थायी सदस्य कौन सा बन गया, तो क्या बताएंगे? नौवां, ईरान, ईरान, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की लॉन्च की गई, तो क्या बताएंगे? नहीं, चेन्नई, 2023 का खिताब जीता, तो क्या बताएंगे? भारत, 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 बेल्जियम, वर्किंग ग्रुप के बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया, तो क्या बताएंगे? फैशन, कर्नाटका, वर्किंग ग्रुप, सॉरी, FIH हॉकी प्रो लीग 2023 का सीजन का चैंपियन कौन है, तो क्या बताएंगे? नीदरलैंड, नीदरलैंड, बहुत सही। आरबीआई ने किस ऑपरेटिव आरबीआई ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है, क्या बताएंगे? यूनाइटेड यूनाइटेड इंडियन इंडिया कोऑपरेटिव इंडिया बैंक, कोऑपरेटिव बहुत बैंक, सुंदर, ठीक है। भारत ने इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल कारपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो क्या बताएंगे? पनामा, रोल के बहुत सुंदर, पनामा, ठीक है। उविनाश ज्वालामुखी किस देश में, जिसके चलते आपातकाल की घोषणा की गई, बताइए कहाँ पे? उविनाश पेरू, मंत्रालय ने, ठीक, किस मंत्रालय ने JEM पोर्टल के माध्यम से खरीद खरीद के लिए, ठीक है, बेस्ट बेस्ट एग्रीमेंट का अवार्ड जीता है, तो क्या बताएंगे? अभी कोयला मंत्रालय, कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया, तो क्या बताएंगे? क्या केनरा है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है, क्या बताएंगे? बैंक, डॉक्टर विधान चंद्र राय, राय,
किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, तो क्या बताएंगे? ठीक बंगाल है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हकीम अजमल खान के जन्म दिवस के रूप में, ठीक है, भारत में कौन सा दिवस मनाया था? हकीम अजमल खान, कांग्रेस के बड़े नेता, ठीक है, दिवस, फ्रीडम फाइटर भी थे, यूनानी दिवस। ठीक है, यूनानी किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 इसका खिताब जीता, तो क्या बताएंगे? भारत। मैच खेलने वाला प्रथम गेंदबाज कौन बन गया था, क्या बताएंगे? नाथन लियोन, नाथन ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, बिल्कुल नाथन लियोन। ठीक है, किस देश ने बढ़ती खाद्य किस्मों के निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की थी, क्या बताएंगे? नाइजीरिया। 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 आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है, क्या बताएंगे? दुबई दुबई हो जाएगा, बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा? दुबई, दुबई अबू धाबी है? नहीं, अबू धाबी है, ठीक है, अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में, दुबई है। दुबई दुबई नहीं, अबू धाबी है सर। मद्रास इंडिया लॉन्ग में जी सर, आइलैंड, ठीक अबू धाबी राइट। है, भारत के बाहर आईआईटी परिषद की स्थापना किस देश में की जाएगी, क्या बताएंगे? तंजानिया। में जूनियर मिश्रित टीम, ठीक है, कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता, तो क्या बताएंगे? कौर AIFF, ठीक है, पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, क्या बताएंगे? ठीक लाला चांगते, ज्वाला चांगते, चाइना का है, नेपाल का है, भारत का है? भारत का ही होगा, भूटान, सारा उधर का नाम मिलने त्रिपुर वाला का है। है, ठीक है, मणिपुर या त्रिपुरा का मणिपुर है। का है ये, बहुत यंग खिलाड़ी है, ठीक है, मणिपुर का है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड। होगा आइसलैंड। ठीक है, नींद टूट गया आपका, राष्ट्रीय यहाँ के एग्जाम नहीं था आपका? एग्जाम डिले हो गया ना 2 घंटा, 12:30 बजे से साइक्लोन की वजह से कुछ ट्रेन वगैरह सब लेट है, तो अतुल प्रसाद ने एग्जाम को बढ़ा दिया आगे, ट्रेन लेट है, एग्जाम आगे बढ़ गया, 12:30 बजे से एंट्री है 1:30 बजे तक, और उसके बाद 2:30 बजे से एग्जाम। अच्छी बात हाँ, ठीक है, 9 बजे नहीं, अच्छी बात क्या, मत जो ट्रेन रूट था ना उस सेंटर को करना चाहिए था ना, ये तो सारे एग्जाम में सेंटर को डिले कर दिया। इक्वल अच्छा ठीक ही किया, जो भी है। हाँ बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में जाने से पहले बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों का 800 मीटर प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था, क्या बताएंगे? चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य के शासित प्रदेश से है? जेएनके। जम्मू कश्मीर का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो क्या बताएंगे? अवस्थी। ठीक है, अडानी अडानी समूह ने भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय पनबिजली कहाँ पर प्रारंभ की? झारखंड। झारखंड। झारखंड झारखंड के किस जगह पे पता है? मुझे यहाँ पे सर्वे करने के लिए जाना था, कौन सा जगह पता है? गोड्डा। गोड्डा। चलिए, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो क्या बताएंगे? मधुबेल। बीरा मुथुबेल, ठीक है, पी मधुबेल। बीरा मुथुबेल, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया, तो क्या बताएंगे? जयशंकर गुजरात। साहब गुजरात से, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई, क्या बताएंगे? किस देश ने, ठीक है, किस देश में, ठीक है, लुई लेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, क्या बताएंगे? पेरू में की गई, कहाँ पे की गई? पेरू। वर्ल्ड देखे, किसी किसी ने गलत भी लगाया रहता, इसलिए बोले आप लोग आंसर शीट भी खोल के रखिए, ठीक है। जितने भी नए लोग हैं चैनल का, राज्यसभा के उपाध्यक्ष वो न बने हैं, फंगनून कुनियाक ना, तब बता रहे अभिषेक अवस्थी महिला बनी है, साथ वो अध्यक्षता करने वाली बनी है, फर्स्ट फीमेल बनी है जो कि राज्यसभा में अध्यक्ष के पैनल में चुनी गई है। सर आंसर शीट में सर डी दे रहा है सर, वही होगा, डी ही होगा। क्वेश्चन किसे सुनाया गया, फांगुन को नया का अध्यक्ष का एंस डी है इसका। कर लीजिए सर,
इसने गलत चेक कर रखा है, ठीक है। हम वही बता रहे हैं जो इसमें लगा हुआ है, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, 60% याद है, 40% हमें खुद भी याद नहीं है, ठीक है। यस सर, एक बार आप लोग एंसर शीट खोल, ठीक है। तो डी है तो इसका आंसर एस फाल्गुन कन्याक होगा। यही नागालैंड से ही था क्या? खोल के रखिए आंसर शीट, थोड़ा देखते रहिएगा, ठीक है। वॉल शूटिंग पैरा इस पर, क्योंकि अगर हम अपने से अगर टिक लगाए रहते हैं ना तो उसमें 99.99% सिक्योरिटी होता है, लेकिन दूसरे लोग के द्वारा ही टिक लगा गया, हमने नहीं लगाया, ठीक है। हम लगाते हैं, बहुत ध्यान से लगाते हैं, लगाने के बाद फिर क्रॉस चेक करते हैं, फिर एक बार उसको पढ़ते हैं, फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। हो जाता है सर मिस्टेक। वॉल शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, क्या बताएंगे? चलिए, एशियाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजक मतलब अध्यक्षता किसने किया था, क्या बताएंगे? भारत। भारतीय महिला टीम की जगह बनाने वाले असम की पहली खिलाड़ी कौन बन गई, क्या बताएंगे? भारतीय महिला टीम में किस टीम में? हॉकी में या फिर लूडो खेलने में? चार आदमी से फुटबॉल में है ना, फुटबॉल। छत्री एक बार देख लीजिए तो उमा छत्री क्रिकेट का है, सुनील छेत्री से इनका कोई संबंध नहीं है, सुनील छेत्री की बहन नहीं है उमा छेत्री। चलिए, राष्ट्रीय राष्ट्रीय तैराकी एक सर बॉलर है उमा छेत्री, चेक कीजिएगा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप किस तैराक ने बैक स्ट्रोक, क्या क्रिकेटर ही है, ठीक है, क्रिकेटर है ना, वही मुझे पता था। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में, ठीक है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, क्या नाम है इनका? माना पटेल। बैक स्ट्रोक हो गया या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक बटरफ्लाई होता है, ठीक है। ये सारे के सारे खेल से वर्ड जो संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है उससे, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। भारतीय एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता था, क्या बताएंगे? भारत ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे भारत ने, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसने नियुक्त किया तो क्या बताएंगे, किसे नियुक्त किया गया, ठीक है, क्या बताएंगे? अगरकर साहब को, ठीक है। डीजीसीए, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया था, क्या बताएंगे? नई दिल्ली में भारत सिक्स जी अलायंस को किसने लॉन्च किया था, क्या बताएंगे? अश्वनी वैष्णव, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला, क्या बताएंगे? ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए तो क्या बताएंगे? हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तलवारबाज कौन बने थे, क्या बनेंगे? भवानी देवी। भवानी देवी पुरुष है कि महिला है? फेंसिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, किस खिलाड़ी ने हाल में ठीक कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है तो क्या बताएंगे? मैक्स वर्स्टैपन। मजा आ रहा है ना, बोरिंग नहीं ना लग रहा? नो सर, यही जो 800 क्वेश्चन ये है, 400-500 क्वेश्चन ऑडिटोरिया का होगा, वो आपका रिजल्ट दिलवा सकता है आराम से। जिन्होंने कभी नहीं भी पढ़ा करंट अफेयर उनका भी हो सकता है 10-12 सीधे सीधे यहाँ से टकरा जाए, उतना तो टकराने की संभावना है ही। हम ज्यादा नहीं 1% भी लेके चलेंगे तो भी 12-13 क्वेश्चन आराम से टकरा जाएगा, इतना क्वेश्चन करा दिया जाएगा जी सर। चलिए, मैं लाई हूँ ना तो इसमें नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डबल पैसा लेना उससे, इसमें दिया हुआ रहता है, लास्ट में दिया होगा, शुरू में नहीं होगा। लास्ट में चेक किए? नहीं है सर, डुप्लीकेट प्रिंट है सर, डुप्लीकेट प्रिंट होगा, ठीक है। मेरा भी एक पब्लिकेशन चलता है, हम सारे किताब को कॉपी कर देते हैं। अच्छा है ना, किसी किताब को आराम से कॉपी करके 20% 50% में बेच दो, हालांकि इलीगल काम है, इलीगल काम है, पैसा बहुत अच्छा है, लोग खरीद भी लेते हैं, ठीक है। किस खिलाड़ी ने हाल में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता था, क्या बताएंगे? मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत ने हाल ही में किस देश को, ठीक है, INS कृपाण उपहार में दे दी, बताइए? मोदी जी मतलब INS कृपाण उपहार में वियतनाम को देते, हम लोग के लिए मतलब कुछ नहीं, मतलब कहाँ घर जाके बना रहे, श्रीलंका में जाके घर बना रहे, बताइए तो। अब पहले भी बन चुका उसका 2.0 श्रीलंका में चल रहा है, भारत में उनको गरीब नहीं दिखता है। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री अभी कौन सा छेत्री पर है तो उमा छेत्री, उनका ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। उमा छेत्री क्रिकेट से, सुनील छेत्री
हाँ किसे, हाँ क्या बोलते हैं, फुटबॉल से ने हैट्रिक गोल करके पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताया कि इस वर्ष का प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है ये, क्या बताएंगे? 14वां। ठीक है, 21 जून, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, क्या बताएंगे? 2014 में योग दिवस का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अच्छा 15 में, सॉरी 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 15 में, ठीक है। चलिए कितने तारीख को, 21 जून को ना, यस सर, ठीक है। चलिए ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में अभी तक 3 बार पूछा गया, हम 3ों बार गलती किए। 21 जून के मेरे दिमाग में क्या बैठ गया ना, 23 जून मार के आते हैं हमेशा, ठीक है। मतलब मेरे माइंड में ही ऐसे किसी ने याद करवा दिया 23 जून होगा, ठीक है। अपने एग्जाम में 3 बार अभी तक क्वेश्चन आया, 3ों बार हम 23 जून मार के आए कहने का है, ठीक है। क्यों पता क्या हो जाता है, एग्जाम में 21 की जगह हम 23 मार के आते हैं, ठीक है। हाल ही में कौन भारतीय, हाल ही में कौन अमेरिका ने पहली बार मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है, क्या बताएंगे? दूसरा चौथी बन के पाकिस्तानी मूल की है, ठीक है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में, ठीक है, प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता, तो क्या बताएंगे? रजत पदक। किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, क्या बताएंगे? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को, ठीक है। यूरोपियन चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन, ठीक है, अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर भारत ने इसका शुभंकर टेडी बियर को अनावरण किया है? जर्मनी। बिल्कुल, कहाँ पे किया जाएगा, जर्मनी में, ठीक है। ध्यान रखें कहाँ पे किया जाएगा, जर्मनी में किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको ये बताइए, ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया, क्या बताएंगे? ठीक है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में गेको गेको मिजो मिजोरा मेनिसस नामक उड़ने वाली छिपकली का एक नई प्रजाति खोजा? मिजोरम में। बहुत सुंदर, क्या बोलते हैं, मिजोरम में, ठीक है, ध्यान में मिजोरम में, ठीक है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यासित है? नाहिदा खान पाकिस्तान के ऑलराउंडर है, ठीक है। किस देश ने हाल में फुटबॉल का हीरो कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता, क्या बताएंगे? हीरो कॉन्टिनेंटल कप 2023। स्पेस एक्स ने किस देश के साथ, ठीक है, स्पेस एक्स ने किस देश के साथ SATRI सटारा नामक एक उप एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, क्या बताएंगे? श्रीलंका। बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा, श्रीलंका होगा, ठीक है। भारत ने किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा, क्या बताएंगे? गोवा। गोवा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने, ठीक है, राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों के लिए 10,000 रुपए मानसिक पेंशन देने की घोषणा की, तो क्या बताएंगे? हरियाणा, ठीक है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का चुनाव किया गया, क्या बताएंगे? क्या नाम है इनका? थीपाचा पुंथाबोंग, क्या नाम है, क्या मस्त नाम है, थीपाचा पुंथाबोंग, थाईलैंड की है, ठीक है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाँ, गीता प्रेस। के लिए जो ST1 बोले थे संचार उपग्रह, इंडोनेशिया होगा ना सर उसका? गांधी पुरस्कार शुरू कब से हुआ था सर? क्या है इसका आंसर? यस, श्रीलंका। श्रीलंका का किया स्पेस सेक्शन, ठीक तो है ये, ठीक है ये, श्रीलंका सही है। तो सही होगा, बी है क्या दिया हुआ आंसर? हाँ बी होगा सर, इंडोनेशिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। क्या है SATRI? इंडोनेशिया इसका आंसर है, ठीक है, इंडोनेशिया इसका। चलिए आज हम इसका समस्या ही समाप्त कर देते हैं, हम जाते हैं, आज बुक खरीद के लाते हैं, ड्यूटेरिया भी लाते हैं आप लोग के लिए, स्पीडी भी लेकर आते हैं, दिक्कत बुक का नहीं है। लेकिन मुझे यही ना, मैं रांची में रहता हूँ, झारखंड में जानते हैं क्या सिचुएशन है पढ़ाई लिखाई का, 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा इसके लिए। 10 किलोमीटर जाने के लिए रैपिडो वाले को कम से कम 120 रुपया देना पड़ेगा, फिर उधर से 120 रुपया देना पड़ेगा, और फिर से उन्ना दुन्ना कीमत में किताब भी लेकर आना पड़ेगा। मतलब नहीं कहते, बहुत पुरानी गांव देहात में कहावत है, BPSC मेंस में आ जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको,
जितने कबूआ और ना ये मेरे नहीं बोल हिसाब सकता मैं यहाँ पे, ठीक है? लहठी वाली कोई से। कहानी है, ठीक है? आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। गांधी वर्ष 2011 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? क्या होता है? गीता प्रेस को, ठीक है? होता है गीता प्रेस को, ठीक है? मध्य, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे किताब मिलता है, ठीक है? पटना वाला बात नहीं, से लगातार 200 किताब का दुकान है, ठीक है? यहाँ पे एक ही जगह पे किताब मिलेगा, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है ना यहाँ पे। जेपीएससी की ऐसी स्थिति खराब है, से क्या बताएं? वो झारखंड हाँ सर एसएससी जो ऐसी लेने वाला था स्थिति, सीजल, उसका 4 बार डेट बढ़ा दिया, फिर सुने उसका डेट बढ़ गया है। हाँ सर रांची में तो सर अभी भर्ती कितना होती मिल जाएगा अपर बाजार में? बरियातू में, मेरा मेरा जो ऑफिस जो है ना बरियातू में है, ठीक है? ये बहुत साइड है, वो मुझे कुछ पता ही नहीं। 3 4 महीना पहले तो यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, अब देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी लोकल आदमी से, देखते हैं क्या रूट है इधर का। ये और काटा टोली कितना चौक पड़ेगा से कि इधर? बुट्टी बोर्ड से आगे, इधर बुट्टी टोड़ा काटा टोली के बीच में, पहले मध्य कचहरी बूटी चौक से बोर्ड आगे जानते बढ़ेगा हैं? तो लालपुर मिलेगा आपको। अच्छा बूटी बोर्ड मेरे जहाँ पे मैं हूँ ना, वहां से 5 किलोमीटर दूर बूटी मोड़ है, वो वहां तक तो ऑटो जाती है सर। आगे आते हैं, ठीक है? बुट्टी मोड़ से मध्य, बरियातू या कचहरी आ जाइए आप। हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? टागना दुर्गावती बिरंगना टाइगर। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है? लाते खरीद के। चिराग शेट्टी 7वीं ग्राई की जोरी ने इंडोनेशिया ओपन मिक्स डबल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण स्वर्ण पदक। पदक जीता, क्योंकि हमें नहीं लगता है बीपीएससी के एग्जाम से पहले ही लोग बीच में कोई करंट अफेयर्स का किताब निकालेगा। निकालेगा क्या बीच में करंट अफेयर्स? हमें नहीं लगता निकालेगा। कौन सा प्रकाशन? कहीं बीच में दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी वाला फिर 1 साल का तो नहीं निकाल देगा, ये भी कर सकता है ना कि 1 साल वाला आ चुका है दोनों का। नहीं 1 साल एडिटोरिया का 1 साल वाला आ गया। वो 1 साल का थोड़ी है, दिसंबर का उसमें थोड़ी होगा। दोनों ठीक आएगा क्या? सितंबर टू सितंबर है एक दिसंबर तक है सर, जनवरी से 1 दिसंबर आएगा के लिए। कि नहीं आएगा? ये दोबारा तो नहीं आ जाएगा? किस देश ने टीम को स्क्वैश विश्व कप चैंपियन, विश्व कप 2023 का खिताब जीता? मिस्र। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीता? क्या बताएंगे? के इगल। हाल ही में किस भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात में समझौता किया गया? क्या बताएंगे? नेपाल नेपाल। ने, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए, ठीक है, वाई ब्रेक, ठीक है, वाई ब्रेक नामक एक पहल का शुरुआत किया था? क्या बताएंगे? पारसिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश में है? वृद्धि की है, जी चीन ने वृद्धि की है, ठीक है? पहले हिंदू ज्यादा अमरीकी, हाँ इसमें भी है, किसी का स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, किसी ने वृद्धि की है, किसी के पास नंबर में, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है। हाँ इसमें लिखा किस देश ने वृद्धि की है, परमाणु हथियार की वृद्धि की है, सो लिखा हुआ है। कर दिया 500 से 1,000 कर दिया, चाइना कर दिया शायद, लगता वो चीन है, दोनों चीनी हाल ही हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताइए कहाँ पर अवस्थित है कैपिटल हिल? संरचनाओं के उसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से संबोधित किया गया, क्या बताएंगे? तेलंगाना। किस राज्य में हाल में अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च को किया है? अरुण पोल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, किस राज्य ने हाल में बिहू कुहू उत्सव मनाया, क्या बताएंगे? बिहू कुहू। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया, क्या बताएंगे? गीता गीता राव गुप्ता। हाल ही में खबरों में रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से, क्या बताएंगे? ओडिशा। ओडिशा से। किस रेलवे स्टेशन का हाल में इट राइट स्टेशन का परमाणु से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? गुवाहाटी रेलवे गुवाहाटी स्टेशन। रेलवे स्टेशन, ठीक है, उससे पहले दिया गया वाराणसी को भी दिया गया था, ठीक है। हाल ही में, ठीक है, किस शहर में सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई, सीएनजी से? उदयपुर जयपुर, ठीक है। राजस्थान। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में बात हुआ था इकबाल मसीह पुरस्कार किसे मिला है, तो क्या बताएंगे? ललिता नटराजन। रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में पूर्वोत्तर में कहा अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला, क्या बताएंगे? ठीक नागौर। है, हाल ही में, ठीक है, बताना है कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 के शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा, क्या बताएंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय।
सा राज्य हाल में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पे पहुंच गया, तो क्या बताएंगे? गुजरात। गुजरात। हाल ही में एडीबी, हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य की बागवानी को बढ़ावा देने के 130 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया, तो क्या बताएंगे? चीन। एक तो था ही वहां पे, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, हाल ही में किस शहर, राजस्थान है ना, पवन ऊर्जा में राजस्थान है ना शीर्ष स्थान पे, राजस्थान पेड़ सोलर एनर्जी में है, सोलर एनर्जी में राजस्थान है, नहीं पहले पवन में तमिलनाडु था लेकिन अभी राजस्थान है, देख लीजिएगा क्या सर, पहले तमिलनाडु था, सोलर एनर्जी में सर राजस्थान हो जाता है, हाँ उसमें है, चलिए ऊन में भी राजस्थान है, दूध में भी राजस्थान है, यही ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाल ही में किस शहर में पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्डिंग डे मनाया, मुंबई। भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे पहुंच गया, तो क्या बताएंगे? भारत। ठीक है, कहाँ कहाँ, ठीक है, कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की एक गुप्त बैठक आयोजित हुई, कहाँ पे हुई, क्या बताएंगे? खबरों में रहा, ठीक है, अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है, क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, ठीक है, क्या है, असम। ठीक है, ध्यान रखें, हाल ही में आयोजित मिशन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन मतलब शीर्ष पे रहा था, क्या बताएंगे? सॉरी, मतलब भारत कौन स्थान पे रहा था, तीसरे स्थान पे रहा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हाल में आयोजित एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है, U20 का मतलब यूनिवर्सिटी 20 है, क्या है, अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर तीसरा पर रहा, ठीक है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीत गई, ठीक है, चलो आगे चलना है। तो कौन सा देश हाल में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा, तो कौन सा बड़ा, यूएई, ठीक है, कौन सा, यूएई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, यूएई, ठीक है। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला, पहला में यूएसए, भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, टेनिस, हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला नोवाक जोकोविच, कहाँ के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, सर्बिया। ट्विटर पे 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, योगी आदित्यनाथ, बहुत सुंदर, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल में किस नाम से एक नया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, क्या बताएंगे? विदेशी, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्यवास एक्स इक्यू वेरियंट का 12वां संस्करण कहाँ पे हुआ, क्या बताएंगे? चौबटिया में हुआ, ठीक है। हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा सुनने वाला कौन सा शेयर बन गया, क्या बताएंगे? एमआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है। हाल ही में आयोजित, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, न्यूजीलैंड की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का हाल में कहाँ पे लॉन्च किया गया, क्या बताएंगे? नई दिल्ली। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 के इन फिंगर्स रिपोर्ट के पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ, क्या बताएंगे? तेलंगाना, ठीक है। किसे किसे हाल में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब जीता गया, क्या बताएंगे? टाटा ग्रुप को, ठीक है। हाल ही में जारी पांचवें खाद, ठीक है, सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में, ठीक है, सबसे बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे मिला, तो क्या बताएंगे? केरला को मिला, ठीक है। सागर परिक्रमा के सातवें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे? पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। जिला सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन बन गया, तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर, बहुत सुंदर। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन को लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? भारतीय विमान, किसके द्वारा हाल में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जूली लद्दाख, क्या बताएंगे? बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, नौसेना के द्वारा, ठीक है, आगे चलेंगे, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता, तो क्या बताएंगे? नोवाक जी को भी। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, तो क्या बताएंगे? भारत को हराकर, ठीक है, भारत को हराकर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद को इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा को अनुभव करने वाला बन गया, क्या बताएंगे? एयरटेल, बहुत सुंदर। हाल ही में जारी हुई 2023 की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग का पहला पुरस्कार मिला है, तो क्या बताएंगे? पहला स्थान मिला है, तो क्या बताएंगे? IIT मद्रास, ठीक है। महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया, तो क्या बताएंगे?
अहमदनगर, अहमदनगर ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बन गई थी, क्या बताएंगे? सेलेस्टे सेलेस्टे सावलो सावलो ठीक है। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो क्या बताएंगे? भारत भारत ने, पुणे पुणे ने। महाराष्ट्र में ठीक है आयोजित ठीक है राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में ठीक है बिहार बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना, तो क्या बताएंगे? राजस्थान को ठीक है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? भोपाल। वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी, क्या बताएंगे? पुणे। शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया, तो क्या बताएंगे? महाबलीपुरम। एशिया कप 2023 में आयोजन किया गया है ठीक है पाकिस्तान और पाकिस्तान श्रीलंका दोनों श्रीलंका में किया गया, दोनों इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं? पाकिस्तान में होगा कहाँ सर, हाइब्रिड। हाइब्रिड मॉडल। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पे हुआ, पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में भी हुआ है हाल ही में ठीक है। आयोजित चौथे ठीक है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सबसे राज्य का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। राज्य हाल में ठीक है धर्मांतरण ठीक है विरोधी कानून को समाप्त कर दिएगा, क्या बताएंगे? कर्नाटक। रामचंद्र बुआ ठीक है। वरिष्ठ नागरिक ठीक है जेन मैरियट ने किस देश में पहली महिला दूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की, तो क्या बताएंगे? जेन मैरियट ठीक है। जून 2023 में भारत ने किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया, तो क्या बताएंगे? तेलंगाना। ठीक है हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी कॉस्पेटिनो ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जीता, कहाँ का लेखक है जॉर्जी कॉस्पेटिनो? बुल्गारिया। बुल्गारिया। पहला ये कौन शासित राज्य बन गया, क्या बताएंगे? केरल हो जाएगा। DRDO द्वारा हाल में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? उड़ीसा। ओडिशा में कहाँ पे किया गया, तो ओडिशा में किया गया, ध्यान में रखें कहाँ पे किया गया, ठीक है ध्यान में रखेंगे ओडिशा में किया गया ठीक है ध्यान में रखेंगे ठीक है। पिछले कितने वर्षों के बाद ठीक है भारत के मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा, बताइए? भारत में 27 वर्षों के बाद, मतलब कब हुआ था? 71वीं ठीक है 71वीं होगा 2023 में ठीक है। भारत फ्रांस यूए के बीच संयुक्त संबंधी अभ्यास साल में कहाँ पे आयोजित किया गया, क्या बताएंगे? ओमान की खाड़ी। जर्मनी में ठीक है जर्मनी में आयोजित IISF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत ने कितने पदक के साथ साथ कौन सा स्थान पे रहा, तो क्या बताएंगे? पहला। बिल्कुल ठीक है। चले आगे चलते हैं ठीक है। अब चले अरब सागर में उठे बिपर जो साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया, तो क्या बताएंगे? बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा। किस राज्य ने थे नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया, तो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित किस भारतीय अमरीकी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली। हाल ही में जारी ठीक है हाल ही में जारी ठीक है राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा, तो क्या बताएंगे? आईआईटी मद्रास ठीक है ध्यान में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ठीक है 8वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए, तो क्या बताएंगे? सर 78वें ठीक है। डेनिस फ्रांसिसी कहाँ का, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के। कहाँ का डेनिस फ्रांसिसी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के ठीक है ध्यान रखेंगे ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शुरू की गई हाल में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? असम में किया गया ठीक है। किनके द्वारा हाल में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई, तो क्या बताएंगे? टाटा ग्रुप ठीक है। किस देश ने ठीक है किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देश का सर्वोच्च ठीक है पुरस्कार ग्रैंड ऑनर ऑफ द चेन द एलो स्टार से सम्मानित किया, क्या नाम है उनका?
सूरीनाम, सूरीनाम। सूरीनाम, ठीक है बहुत सर। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्ष घाट मनाई गई थी, क्या बताएंगे? 85वीं। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया, क्या बताएंगे? ये यूपी, उत्तर प्रदेश है। टॉप किसने किया, महाराष्ट्र में टॉप किया या फिर मतलब मध्य प्रदेश में टॉप किया? पंजाब। का पहला शहर बनेगा, सांची शहर भारत का पहला स्वच्छ शहर बनेगा, क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। भिवंडी बहुत सुंदर। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, क्या बताएंगे? हाल महाराष्ट्र। ही में, ठीक है, 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है, क्या बताएंगे? इंसान आरबीआई, चीन। भेजने की योजना तैयार की है, तो क्या बताएंगे? चाइना, चीन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया सऊदी गया, क्या अरब। बताएंगे? सऊदी अरब। सऊदी ठीक अरब। है, कंटिन्यू करें ना, 200 ही रह गया है अब। यस। ये सर मैं कर दीजिए, 30 मिनट सामने कर में दीजिए, खत्म कर दिए सर। कर दीजिए सर। स्पीड के साथ वो नहीं। ठीक है, चलिए, किस देश ने हाल में वर्ष 2025 के विशेष पर्यटन वर्ष के बनाए जाने की घोषणा की, क्या बताएंगे? हाल नेपाल, ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम रख गई, कौन क्या हो रहा है? ठीक है, हैरिस पार्क का नाम रख लिटिल इंडिया किया ऑस्ट्रेलिया, गया, क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया सरकार ने का हाल में चक्रवात प्रभावित किस देश में राहत और समागम के ऑपरेशन करवाना की शुरुआत की है, क्या बताएंगे? करुणा, म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, भारतीय म्यांमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान, ठीक, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? फिजी, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता, तो क्या बताएंगे? चेन्नई सुपर किंग। जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है, तो क्या बताएंगे? तेलंगाना। किस देश ने टेफून लॉन्च किया, जो कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या बताएंगे? ठीक फोन कहाँ है, तुर्की। हाल ही का में, ठीक है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? जिनेवा, जिनेवा। स्विट्जरलैंड। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो क्या बताएंगे? पर यूपी। 28 में जाने वाली पहली अरब महिला महिला कौन बन गई, तो क्या बताएंगे? सऊदी अरब। त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया, तो क्या बताएंगे? सौरव गांगुली, त्रिपुरा के। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया, तो क्या बताएंगे? 22 मई को। इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता, तो क्या बताएंगे? इटालियन में डेनी डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल, ठीक है, सस्टेनेंस, ठीक है, का रूप में नियुक्त किया गया, तो क्या बताएंगे? मास्टर जनरल, ठीक है, सस्टेंस एमजीसी के रूप में नियुक्त किया गया, क्या ना, अमरदीप सिंह ओजला, ठीक है, चलिए ओजला, ठीक है। हाल ही में, ठीक है, बताना है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया, तो क्या बताएंगे? अर्जुन राम मेघवाल। बिल्कुल, क्या बताया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया, ठीक है, बहुत सुंदर। हाल में सिद्धरमैया ने किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने, क्या बताएंगे? कहाँ बने, ठीक कर्नाटक। है, कर्नाटका के बने, ठीक है। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्या बताएंगे? 16 मई को। डेंगू, बहुत सुंदर, डेंगू, ठीक है। डेंगू 16 मई 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो क्या बताएंगे? सिक्किम सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, सिक्किम की स्थापना 1975। कितने नंबर का राज्य बना था सिक्किम भारत का, 22वां राज्य। राज्य बना था, कितने नंबर का राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कितने नंबर का, 22वां राज्य बना था, ठीक है, क्या बना था? 22वां, ध्यान रखेंगे, 22वां। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप बनाया गया, क्या बताएं? ट्विटर की नई सीईओ लिंडा यारा, लिंडा याकारिनो, ठीक है। आईपीएल में अब तक के सबसे तेज अवसर 13 गेंदों पर शतक लगाने 8 शतक लगाने बल्लेबाज कौन बन गए, क्या बताएंगे? एसएसबी जायसवाल, एसएसबी जायसवाल, एसएसबी जायसवाल। आईपीएल में, आईपीएल में लगाए थे सर, के लिए खेलते हैं क्या, आरआर के लिए है ना, राजस्थान के लिए, राजस्थान से, ठीक है। पहले इंडियन ग्लोबल, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, क्या बताएंगे? आलिया भट्ट, ब्रांड है गुच्ची फैशन ब्रांड। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता, क्या नाम है इनका? ना,
हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता था? क्या नाम है? फखर जमान, ठीक है, पाकिस्तानी पाकिस्तान खिलाड़ी, ठीक है, बिल्कुल। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो क्या बताएंगे? के लियोन मेसी। बिल्कुल लियोनेल मेसी हो जाएगा, बहुत सुंदर, ठीक है। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई, पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्या पुलित्जर? पत्रकारिता। अब पृथ्वीकर किसमें दिया, पृथ्वीकर किसमें दिया जाता है, पृथ्वीकर किसमें दिया जाता है, पृथ्वीकर क्या बताएंगे, पृथ्वीकर किसमें दिया जाता दक्षिण मतलब संगीत में पत्रकारिता क्या? साहित्य साहित्य में दिया साहित्य वो भी में गलत दिया है। पत्रकारिता क्या बताओ? आप ही बताइए सर। जकर पुरस्कार किसमें देते हैं? आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहते हैं, ठीक है, वास्तुकला, वास्तुकला बोलेंगे आर्किटेक्चर को, उसी में दिया जाता है, ठीक है, जो कि बीके दोषी जी को मिला था, बालकृष्ण दोषी जी को, ठीक है। हाल ही में किस अच्छा देश में संबंधित महिला खिलाड़ी, ठीक है, सबनिम इस्माइल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले, सबनिम इस्माइल तेज गेंदबाज, सबनिम इस्माइल दक्षिण की बात करेंगे, तेज अफ्रीका। गेंदबाज, ठीक है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला था? क्या बताएंगे? एक सौ हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का एमडीसी नियुक्त किया गया? क्या बताएंगे? कर्नाटक हमें में कर्नाटक लगा हुआ है, क्या बात, कर्नाटक प्रतिवर्ष, लगा ठीक है। हुआ 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 मई को है, कब बना था ये? 160 ठीक है, चीन के प्रथम विश्व सत्तन चैंपियनशिप खिलाड़ी कौन बने हैं? लीरेन। डिंग लिरेन बने, कौन बने हैं? डिंग लिरेन बने, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सीएफआई का नया अध्यक्ष कौन बने, क्या बताएंगे? पंकज सिंह। पंकज सिंह बने, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सबसे अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? राजकुमार राजकुमार राव को दिया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया, क्या किसे माना है प्रथम गांव? माना गांव, ठीक राव, है, माना गांव, ठीक है, ध्यान रखें, माना गांव, ठीक है। किस राज्य ने भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है, क्या वाटर मेट्रो सेवा बताइए, बिल्कुल, केरल। क्या हो जाएगा वाटर मेट्रो सेवा, क्या बताएंगे? तो केरल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वाटर मेट्रो सेवा, तो केरल हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा वाटर मेट्रो सेवा, तो केरल हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, कौन सा राज्य हाल में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया, तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बन गया। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर रमन 2023 का खिताब जीता है, तो क्या बताएंगे? चले, किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए किसे दिया गया पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, पत्रकारिता का नोबेल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। जलवायु परिवर्तन 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग, ठीक है, पीटर्सबर्ग जलवायु, ठीक है, बताना है संवाद 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया, क्या बताएंगे? पिट्सबर्ग की बात करेंगे, कहाँ का शहर है पिट्सबर्ग? साउथ अफ्रीका। गलत है, हाँ वो तो मैरिट्स पीटर जर्मनी नहीं बना होगा सर, यूएसए का होगा पिट्सबर्ग, और वो भी कनाडा। गलत है, और कनाडा भी गलत है, और रूस रूस सही लग गया पेट बस, ठीक है, रशिया पर था, ठीक है। आगे आते इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है, भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया, बताइए? नीरज नीरज चोपड़ा। चोपड़ा। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है, क्या बताएंगे? ठीक है, बीसीसीआई द्वारा, ठीक है, किसे हाल में इंडियन क्रिकेट टीम का कीट स्पॉन्सर घोषित किया गया, क्या बताएंगे? भारत के किस राज्य में हाल में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया, क्या बताएं, स्काई वॉक पुल? तमिलनाडु। ने किया, किस जगह पे अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, नाम हैदराबाद। कर्नाटक क्या में रखा गया बना इसका, रखा क्या रखा गया नाम इसका? नहीं, इसका नाम नहीं लगता। फतूर में इंस्टीट्यूट ऑफ इक्वालिटी, इसका नाम क्या सर्च कीजिए गूगल पे, चर्चा में रहा। तुलजा भवानी मंदिर का संबंध किस राज्य से, तुलजा भवानी मंदिर, महाराष्ट्र। उसका ड्रेस कोड मतलब ड्रेस कोड लागू बना करने वाला है क्या, ड्रेस कोड बना दिया क्या यहाँ पे,
सर तुलजा भवानी में ड्रेस कोड लागू कर दिया, पता है। हाँ शॉर्ट्स नहीं पहनना है, जींस नहीं पहनना है। ठीक है, बहुत लोग चले जाते रील बनाने के लिए। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए का नोट वापसी लेने की घोषणा की? के पास है वो हमें दे सकते हैं, 500 रुपया हम ले लेंगे। ठीक है, 500 में हम ले लेंगे। ठीक है, के पास भी हमको दे दीजिए, जितना भी हम 500 में सबका लेने के लिए तैयार है। गलती से छूट भी रह गया तो। मुंबई घूमने की प्लान है सर। और हाल में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास घोषित किया गया? ठीक है, अभी ना लोगों से लेना बंद किया गया। ठीक है, संस्था वगैरह जो है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, अभी सब भजा सकते हैं। हमको 500 में दीजिएगा, हम 2000 में भजा लेंगे उसको। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, टाटा सन चेयरमैन के एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेल्वियर डी ला लीजन ऑनर से सम्मानित किया? क्या बताएंगे? फ्रांस। ठीक है, 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री, ठीक है, राजनाथ सिंह ने कहाँ भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? क्या बताएंगे? चंडीगढ़। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए, भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोर्ट 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, इस पोर्ट का नाम क्या था? क्या बताएंगे? आई एन एस मगर। ठीक है, चलिए, किस राज्य सरकार मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना प्रारंभ किया गया? क्या बताएंगे? उत्तराखंड। बहुत, किस विश्व स्वास्थ्य संगठन के COVID-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी? बताइए किस तिथि कौन सी थी? वैश्विक खत्म हो गया, मतलब COVID-19 अब वैश्विक बीमारी नहीं है। ठीक है, 5 मई 2023 को इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के किस राज्य के शासित प्रदेश सबसे अभिनव राज्य की मतलब दर्जा दिया गया है? कर्नाटक। मतलब नवाचार में सबसे अच्छा, मतलब सबसे अधिक नवाचार में क्या नाम इसका? कर्नाटक। किसने, बिल्कुल, किसने हाल में, ठीक है, 70 में कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? क्या नाम है इनका? हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्या बताएंगे? प्रशांत दामले को। बहुत सुंदर। ठीक है, कहां हाल में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? क्या बताएंगे? चलिए, होप आप लोग इसको देखने का गौरव प्राप्त हो। छिपकली से डर लगता है? किस बंदरगाह को हाल में सबसे प्रथम सर्वानंद सोनेवाल ने, ठीक है, सागर से सम्मान से सम्मानित किया? तो क्या बताएंगे? कोचीन में। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, हाल ही में कौन सा इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया, इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला? पुर्तगाल। सही है, इसका आंसर जरा चेक कीजिएगा। स्विट्जरलैंड था। सही है सर। पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन सर। लिस्बन, बहुत सुंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा पुर्तगाल के राजधानी? तो लिस्बन। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आते वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण पर कौन सा देश हाल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया? नीदरलैंड। बोपल्ला प्रणीत हाल में भारत के विरासमी ग्रैंड मास्टर में, इनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना। तिरसमा का कौन था? 83 नंबर का आदित्य। 84 नंबर का रमेश बाबू। ठीक है, लेकिन वैशाली रमेश बाबू वैशाली की नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किनकी बहन है वो? आर प्रज्ञानंद की बहन है। ठीक है, आर प्रज्ञानंद की बहन है, और ध्यान में रखिएगा, और आर प्रज्ञानंद की बहन है, और दूसरी बात ये भी ध्यान में, तीसरा महिला भी वो बनी है। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, किस देश ने हाल में ही वर्ष 2023 में पोलियो की पहली मौत की पुष्टि की गई? कहाँ पे किया गया पोलियो से पहली मौत की पुष्टि? अफगानिस्तान में। किस राज्य सरकार ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरस्कार जीती थी? क्या बताएंगे? हरियाणा। ठीक है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने थे? क्या बताएंगे? मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च हिंद डाटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश। कौन सा हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास, ठीक है, समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? क्या बताएंगे? भारत इंडोनेशिया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना प्रारंभ की थी? क्या बताएंगे? गीता कार्मिकुला। और चिरंजीवी बीमा योजना किस राज्य का था? चिरंजीवी बीमा योजना। क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे?
राजस्थान बिल्कुल राजस्थान का है चिरंजीवी बीमा। कितने लाख का बीमा किया जाएगा चिरंजीवी बीमा योजना में, क्या पांच बताएंगे? लाख का पहले पांच पच्चीस था, दस लाख 20 लाख बढ़ गया पच्चीस उसका। लाख ठीक है। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह यानी कि 62 नए उपग्रहों की खोज की गई है, ठीक है की गई है ना। हाल में भी अब शनि के पास कितने उपग्रह हो गए हैं? 145 ठीक के पास 95 अपन 95 सजनो एक बार क्रॉस चेक कर ले, ठीक है 90+ ठीक है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका में पर्यटन क्षेत्र में किस देश का पर्यटन की सर्वाधिक वृद्धि हुई है, क्या बताएंगे? भारत। जम्मू कश्मीर का किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है, तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अंकलन ठीक है समारोह कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, क्या बताएंगे? शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा विश्व शांति के क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन है, जानकारी होनी चाहिए, इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग से। चक्र बोलते हैं शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र ठीक है। कितने वर्षों में ठीक है कितने वर्षों के बाद 2023 के एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने युगल पुरुष युगल पदक ठीक है स्वर्ण पदक हासिल किया था, क्या बताएंगे? अशोक चक्र सबसे पहले दिया जाए, देखिए अगर वीरता के क्षेत्र में पूछेगा ना तो सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है, लेकिन अगर शांति के क्षेत्र में अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा पुरस्कार के अशोक चक्र है ठीक है। अशोक चक्र सबसे पहले दिया गया था किसको? अशोक चक्र सोमनाथ सर, सोमनाथ शर्मा को परमवीर सबसे पहले दिया गया था। कोई नहीं है तो भी सोमनाथ शर्मा को। जिंदगी लंबी नहीं, किनकी डायलॉग है? आनंद दिया गया था, किसे दिया गया था? निर्जा भनोत को दिया गया था ठीक है। सबसे पहले अशोक चक्र सम्राट निर्जा भनोत है ठीक है। शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र दिया जाता है ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र है, उसके बाद कीर्ति चक्र है, और भी कुछ हो सकता है, तीन है कि और भी कुछ है? परमवीर महावीर कीर्ति टूटा नहीं ना, देख लीजिएगा कितने और कौन है। सौर्य चक्र भी है, फिर महावीर सौर्य और कीर्ति ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। कितने वर्षों के बाद 2023 कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने युगल पदक और स्वर्ण पदक हासिल किया? चित्वे बंदरगाह कहाँ है? चित्वे बंदरगाह म्यांमार में। वर्ष बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो क्या बताएंगे? का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे? ठीक है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच ठीक है भोलागंज के पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया, तो क्या बताएंगे? बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसंख्या परिवर्तन थीम विषय में कौन सा दिवस मनाया गया, तो क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को ठीक है महिला संबंधी मुद्दों के लिए ठीक है अमरीकी दूत मतलब नियुक्त किया गया, तो क्या बताएंगे? गीता राव गुप्ता को ठीक है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हाल में किस देश में ठीक है पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रेडनबर्ग का नया कोच नियुक्त किया गया, कहाँ का ग्रांट ब्रेडनबर्ग? न्यूजीलैंड। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हाल में ठीक ग्रेट ब्रेडनबर्ग न्यूजीलैंड को ठीक है हट गया हो, क्या नाम था उसका? बाबर आजम। भारत में तो दिल जश्न पाकिस्तान तो बसता ही नहीं, इसलिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हार गई, क्या नाम था उसका गधा का? पाकिस्तानी टीम का भूतपूर्व कोच कौन, क्या नाम था? मिकी आर्थर ठीक है वही था, उसके बाद ये बनाया ठीक है। हाल ही में कहा मोनेला चेमचो उत्सव मनाया गया, भारतीय टीम क्रिकेट टीम का कोई हेड कोच कौन है? राहुल दवे ठीक है। मोनेलम चेमचो उत्सव कहाँ पे मनाया गया, तो क्या बताएंगे? ले में। किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी किया, तो क्या बताएंगे?
सिटी मद्रास, ठीक है, किस किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान का शुरुआत किया था, क्या बताएंगे? 18-20 में 2023 तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया, क्या बताएंगे? नहीं, मलयालम भाषा में स्नातक करने वाली, ठीक है, पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल में निधन हो गया, क्या बताएंगे? नबीसा उमाल, ठीक है। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण दो तीरंदाजी विश्व कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत का 14 पदक जीतकर कौन सा पदक जीता, कौन से स्थान पर रहा, क्या बताएंगे? पहले स्थान पर। 18 तारीख से दरोगा एसआई मेंस का क्लासेस शुरू हो रही है जिसमें बिहार वगैरह से लेकर सब कुछ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। 18 तारीख से पहले ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करेंगे तो फायदा होगा, बीपीएससी और दरोगा में दोनों में सम्मिलित कर दिया जाएगा। नहीं, 18 तारीख के बाद अगर दरोगा एसआई मेंस के लिए फिर बीएससी के लिए तो 499 आपको दोनों का देना पड़ेगा, 499 एसआई के लिए और 499 इसके लिए अलग अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनको भी एसआई वगैरह के लिए करना है बहुत अच्छे तरीके से ओवरऑल चीजों को अगर प्रिपेयर करना है तो यूशुड मस्ट ज्वाइन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बीपीएससी के लिए ऑलरेडी 60 से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो उसका फिर भी बढ़ा दिया जाएगा। पीटी और मेंस के लिए 69 के लिए भी मतलब डेली मेंस आंसर राइटिंग अवेलेबल है, 70 के लिए भी अवेलेबल है, तो जितने भी स्टैंडर्ड बुक है सबको कवर किया जाएगा, बिहार एसआई और उसमें भी, ठीक है। तो जो भी इच्छुक लेख है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप लोग की मर्जी, ठीक है। चलिए, भारतीय मूल के किस अमरीकन ने हाल में अमरीका के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, तो क्या बताएंगे? ठीक है, नीरा टंडन को किसे किया गया, तो नीरा टंडन को किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। फिंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है, तो क्या बताएंगे? 6%। ठीक है, चले, किसे हाल में, ठीक है, पोषण हाल में, ठीक है, पोषण पोषण भी पढ़ाई भी नामे का अभियान का शुरुआत किया, तो क्या बताएंगे? ईरानी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 11 से 13 मई 2023 तक ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण किया गया, तो क्या बताएंगे? छठा। कौन सा, तो ध्यान रखेंगे छठा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा, छठा, ठीक है, आगे चलेंगे, ठीक है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, चलने का अधिकार, तो क्या बताएंगे? बन गया पंजाब, बन गया चलने का अधिकार, ठीक है। जीने का अधिकार, ऑलरेडी भारतीय संविधान के द्वारा आपको दिया गया है, कौन से आर्टिकल्स में, राइट टू लिविंग किसी भी परिस्थिति में, 21 में है ना, चलिए। बताना है, ठीक है, पर्यटन स्थल पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य के पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक विशेष अभियान चलाया, ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही, ठीक है। फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, फ्यूगो, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला में फ्यूगो है, बहुत सुंदर, ठीक है। ईरान की जेल में कैद किस महिला पत्रकार का यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2023 में सम्मानित किया गया, ठीक है, तो कौन कौन है, नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, इलाहेल मोहम्मदी, सारे को दिया गया, ठीक है, दो मोहम्मदी है एक हमीदी है, ठीक है, आगे आते हैं, ठीक है। हाल ही में भारत में उठे चक्रवाती तूफान मोचा, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश ने नामकरण दिया, मोचा, यमन, ठीक है, ध्यान में रखें यमन, ठीक है। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में एंटोनियो एंटोनियो करवाजल का निधन हो गया, वन में से किससे संबंधित है एंटोनियो करवाजल, क्या बताएंगे? फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल में आईसीसी ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है, किसने लिए भारत पे की जगह, किसने लिए है, मास्टर पे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पे 11 मई 2023 पे कितने करोड़ रुपए के वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, क्या बताएंगे? 5800, ठीक है, चलिए। किस राज्य सरकार ने सी हरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया, सी हरियर, क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? योगा ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए, क्या बताएंगे? लियोनेल मेसी। कितने क्वेश्चन और रह गए हैं, शेष कितने हैं? 100 कुछ होगा और क्या, टोटल 112। खत्म कर ही देते हैं। Thank you.
हाल में जारी सिपरी के रिपोर्ट पर कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में मतलब शीर्ष रहा, मतलब सबसे ज्यादा सैन्य पे खर्चा किसने किया? अमेरिका ने। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो हीरो सुपर कप किसने जीता? हीरो सुपर कप ओडिशा ने। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 कहाँ पे किया गया? लॉक शील्ड तेलिन में किया गया, एस्टोनिया में। ठीक है, हाल ही में, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है? प्रकाश सिंह बादल अकाली दल। बहुत हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कोप इंडिया 2023 के वायु अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? कोप इंडिया में भारत तो अमेरिका। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? रतन टाटा, बताइए। भारत का पहले गांव, भारत के पहले गांव का नाम बताइए, क्या नाम है भारत का पहले गांव? 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, बताएंगे? 38वां बताना, ठीक है। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ पृथ्वी विज्ञान दिवस मनाया गया, क्या बताएंगे? किस देश ने संबंधित हाल ही में किस देश से संबंधित संबंधित, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पाकिस्तान। लेखक थे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताएंगे? 24 अप्रैल। सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, क्या बताएंगे? भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कार्रवाई कावेरी की शुरुआत की है, क्या बताएंगे? सूडान हो जाएगा, ठीक है, आगे चलेंगे। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में मतलब पहला स्थान पे कौन है? न्यूयॉर्क। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया? बिलीव एम्बेसडर, क्या बताएंगे? हाल ही में जल बजट, बिल्कुल, हाल ही में जल बजट अपनाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है, क्या बताएंगे? केरल है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान की योजना का शुरू किया, क्या बताएंगे? आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किसने जीता? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत खेल रहा था, आईपीएल बोल रहे थे ना, जीता था, गुजरात को हराया था, चेन्नई सुपर किंग गुजरात को हरा के, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है, कौन सा फाइनल भी यहीं पे हुआ था, वर्ल्ड कप का स्टेडियम यही है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ मुजफ्फरपुर में वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हो जाएगा। नहीं, वो बनारस में, सर बनारस में बनने जा रहा है एक वर्ल्ड का, सबसे जयपुर में आ रहा है वाला, उस सेकंड नंबर है ना, उसका कौन क्या वाला था, उसका क्या स्टेटस है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ मुजफ्फरपुर में जो बनेगा ना वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हो जाएगा ना, मुजफ्फरपुर वाला अगर बनेगा यूनाइटेड स्टेट वाला तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा, अगला साल के जीके में आएगा, अभी यही है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट मुजफ्फरपुर वाला याद रखेगा, ठीक है। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, ठीक है, एनटीआरओ के नया अध्यक्ष कौन बने, क्या बताएंगे? अरुण सिन्हा। पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, क्या बताएंगे? दीपिका मिश्रा। मध्य प्रदेश के बाद में मना करने मदद करने के लिए इनको दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आगे बताइए। हरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे है, तो क्या बताएंगे? अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, हाल में किस सुंदरी ने, ठीक है, हाल में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है, तो क्या बताएंगे? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने 75वां स्थापना दिवस मनाया, तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? ठीक है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, क्या नाम पर है, कागेश्वर अवाडा बन गया, क्या एक क्वेश्चन लेट आंसर आ रहा है, प्रियंका शर्मा, कटकर वापस आइए फिर से, आप नेटवर्क समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुआ आपका। चलिए, पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, क्या बताएंगे? भीमराव अंबेडकर। माता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? आशा भोसले। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया, क्या बताएंगे? किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया, तो क्या बताएंगे? बेंगलुरु। बेंगलुरु। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन आर्ट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को लॉन्च किया, तो क्या बताएंगे?
केन्या ने लॉन्च की, केन्या का लॉन्च हुआ है ठीक। टाइफॉन केन्या ने लॉन्च किया। विश्व का पहला एशियाई गीत संरक्षण कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, क्या बताएंगे? यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। चलिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई, इसे किसने लॉन्च किया था, क्या बताएंगे? स्पेसएक्स। ने हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान के सम्मानित किया गया, क्या बताएं, किसे सम्मानित किया गया है? राजसुब्रमण्यम को। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को, क्या बताएंगे? कृषि मंत्रालय, बहुत सुंदर ठीक है, बताना है आपको ठीक है। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का परीक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी का समझौता किया है, क्या बताएंगे? तेजपुर यूनिवर्सिटी ठीक है। कौन सा यूनिवर्सिटी? तेजपुर यूनिवर्सिटी, बताना है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, क्या बताएंगे? ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया, क्या बताएंगे? तमिलनाडु ठीक है, बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु ठीक है। काजिकिस्तान, बिल्कुल ठीक है। काजिकिस्तान के स्थान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर ठीक है सातवें स्थान पे रहा? 14वां ठीक है। पहले 7 अप्रैल को किस टीम ने, 7 अप्रैल को किस टीम के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाएगा, क्या बताएंगे? अमेरिका ने यूक्रेन को ठीक है 36वें ठीक है, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पे कितने अमेरिकन डॉलर की घोषणा की, तो क्या बताएंगे? 325 अमेरिकी डॉलर ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी, मतलब ये क्या बताएंगे? 6000 करोड़ ठीक है। विदन क्रिकेटर सब चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो क्या बताएंगे? कितने करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई, तो क्या बताएंगे? 638। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया, तो क्या बताएंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए, एप्पल कंपनी ने भारत का पहला ठीक है पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया गया, क्या बताएंगे? मुंबई। उत्तर प्रदेश के किस जिले के, उत्तर प्रदेश किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क को उद्घाटन किया, तो क्या बताएंगे? हरदोई और लखनऊ। हरदोई और लखनऊ दोनों। चलिए, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की, तो क्या बताएंगे? डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई थी, क्या बताएंगे? हैदराबाद। चलिए, डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, क्या बताएंगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ठीक है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा के क्षेत्र में 91 का कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था, क्या बताएंगे? फसल बीमा में, क्या बताएंगे? कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बन गया, क्या बताएंगे? पुरुष T20 क्रिकेट में रांची अधिवेशन में आ गए, कराची अधिवेशन में पहुंच गए थे। पुरुष T20 क्रिकेट अंपायरिंग करने वाले प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बने, अंपायर कौन बनी है, क्या बताएंगे? बिल्कुल, क्या हो जाएगा ध्यान में? किम कॉटन ठीक है। कौन कॉटन? तो किम कॉटन ठीक है, ध्यान में रखेंगे ठीक है। चुनाव आयोग ने कहा पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की, तो क्या बताएंगे? कर्नाटक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया स्थापना दिवस कब मनाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया, क्या बताएंगे? 1 अप्रैल का ठीक है। जिन भी लोगों का टीचर का एग्जाम है, मेरा एक वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पे, जिसमें पूरा बिहार पढ़ाया हुआ है ठीक है। 14 क्लास में पूरा बिहार खत्म किया गया है, पूरा बिहार खत्म किया गया, उसको जरूर दे के टीचर का एग्जाम देने जाएंगे ठीक है। टीचर के एग्जाम में बिहार से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है। ऑलरेडी डाला हुआ है आपको, तो आई थिंक हमने सेंड भी किया था एक बार पढ़ा, आप तो पूरा क्लास में थी जब हम पढ़ा रहे थे, तो बिहार याद है आपको? हाँ, पढ़े तो थे लेकिन देख लेंगे। हाँ, तो जिनका भी टीचर का एग्जाम है उसको एक बार जरूर देखें, क्योंकि बिहार से डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से, कल का पेपर हमने देखा था ठीक है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा ठीक है। चलिए, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है, तो क्या बताएंगे? 142.86 करोड़ ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया खबरों में रहा इल्सा, क्या है इल्सा? क्या है इल्सा? चक्रवाती तूफान। पता होगा ठीक है, हिल्सा मछली को बंगाल में जब लड़की का शादी जब होता है ना, तो दहेज में दिया जाता है हिल्सा मछली, तो लड़की के साथ मतलब दहेज में हिल्सा मछली जाता है, हमारे यहाँ भाई जाता है ना वहाँ पे हिल्सा मछली जाता है ठीक है। किट जेंडर को बिहार का राज्य का चुनाव का स्टेट आइकन घोषित किया गया, क्या बताएंगे? मोनिका दास ठीक है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्रथम व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया था, क्या बताएंगे?
टोयोटा ठीक है। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, क्या बताएंगे? वेंकटेश अय्यर। ठीक है, भारत के रेशा में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था, क्या बताएंगे? वाराणसी। किस देश ने पहले आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया, क्या बताएंगे? जर्मनी। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, क्या बताएंगे? यूएसए। हाल ही में किस राज्य में कंबन अंगूर को जीआई टैग दिया गया, तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु। बिल्कुल तमिलनाडु, बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाल ही में अंडर वाटर मेट्रो रेल का ट्रायल कहाँ पे शुरू किया गया, तो क्या बताएंगे? कोलकाता। भारत ने पहला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते, तो क्या बताएंगे? 5। कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया, तो क्या बताएंगे? 16। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताना आपको, ट्रांसजेंडर समुदाय ने किस राज्य की सरकार से ओबीसी का दर्जा दिया गया, तो क्या बताएंगे? एमपी। जिसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की, तो क्या बताएंगे? अल सालवाडोर। पशु संरक्षण के उद्देश्य किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ठीक है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया, तो क्या बताएंगे? उत्तराखंड। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो क्या बताएंगे? 31। बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा? 31। अभी नया वाला डाटा जो है सर्वे का डाटा, ऑथेंटिक डाटा नहीं है। ठीक है, किस पोलिटिकल पार्टी ने हाल में नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया, क्या बताएंगे? आईपीएल में सबसे 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, क्या बताएंगे? फास्ट बॉलर हर्षल पटेल। ठीक है, हर्षल पटेल, पर्पल पटेल। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में किस देश में ठीक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, सॉरी किस राज्य में, सॉरी किस प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश। आईपीएल में सबसे 6,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज को 6,000 रन आईपीएल में सबसे ज्यादा। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को संख्यांकित 2023 का ठीक है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, क्या नाम है इनका? ग्लोबल वॉच डॉग के जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे ज्यादा कम आजाद देश का दर्जा कौन मिला? भारत को मिला। पूर्व ने ठीक है भरोसा आपको लॉन्च किया, किससे संबंधित है? असम में जाकर लॉन्च की थी। किस राज्य के हाल में ठीक है महात्मा गांधी फुले की जयंती के सार्वजनिक अवकाश अवसर घोषित किया, किस राज्य ने किया? राजस्थान। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी पहली यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का मतलब शुभारंभ किया? युगांडा। ठीक है, किस भारतीय हाल में ठीक है टाइम 100 पोल में विजेता चुना गया, क्या नाम है? शाहरुख खान। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा था, क्या बताएंगे? अर्जेंटीना। ठीक है, वाराणसी में जीआई टैग, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, क्या बताएंगे? वाराणसी पान और वाराणसी लंगड़ा आम को। ठीक है, आगे चलेंगे तो क्या है, हाल में भारत ने किस स्पेस स्टार्टअप को 3D प्रिंटेड कार्योजनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, क्या बताएंगे? स्काईरूट एरोशिप। ठीक है, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस भारतीय वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया, क्या नाम है इनका? संजीता चानू। इंडिया जस्टिटी को 2000 में कौन सीट पे रहा था, क्या बताएंगे? लास्ट पे उत्तर प्रदेश 18वां नंबर। ठीक है, बिहार 16 पे। ठीक है, इसे 30 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया, क्या बताएंगे? मुंबई। H3N8 वर्ड फ्लू दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई? चाइना। ठीक है, पूरे दुनिया में सप्लायर है, मतलब थोक के भाव में सप्लाई करता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, किस देश ने हाल में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोल दी, स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने किस बार 2024 तक भारत के विकास को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया, 6.6 से 6.3 कर दिया है। ठीक है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री को ले जाएगी? 4। इसमें से एक महिला इसमें। ठीक है, क्रिस्टीना कोच एक महिला है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुरुआत किया, स्कूल चलो? यूपी। आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, लेकिन अब भर पेट खा के घर में रील चलाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, इस कंपनी ने हाल में क्राइकल पोर्ट का अधिग्रहण किया, क्या बताएं? क्राइकल पोर्ट अदानी ग्रुप।
पे जो हाथ चलता है फटाक 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 रील पे उन लोग का हाथ चलता है। गलती से उसका मोबाइल ले लीजिए ना तो उसको इतना गुस्सा करेगा। मेरा एक भांजा है उसको आप कितना भी फोन कर दीजिए ठीक है, कितना भी फोन कर उसका क्या मजाज हो आपका फोन किसी को दे देगा, फट सीना काट देगा। और उसकी वजह से उसकी माँ हमेशा बदनाम होती है से मतलब से ना ऐसे फोन करते थे तुम कट कर देती हो ठीक है, सारा फोन को कटेगा ठीक है। एक दिन हम उसका हम लोग बार बार करते रहते मजा आता है, 3 साल का ही है ठीक है। और एक बार उसका क्या हुआ ना उसको ना वीडियो कॉल नहीं काटने आता है ठीक है, मतलब कोई अगर गलती से वीडियो कॉल कर दिया तो वो उसे नहीं काटा था, जल्दी से अगर वीडियो कॉल अगर नहीं कटेगा ना तो गुस्सा करके फोन को दीवार पे मार देता है वो ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से मतलब आदत इतना खराब हो गया। हालांकि इसमें गार्जियन का भी गलती है, अगर बच्चा अगर इस तरह की चीजों में अगर पढ़ रहा है तो ठीक है। पहले बच्चा का टीवी का आदत था अब मोबाइल का आदत हो गया। टीवी का तो चलो ठीक है चल सकता है, थोड़ा ऑप्शन सीमित है और दूसरी बात थोड़ा डिस्टेंस भी होता है, लेकिन मोबाइल बहुत खराब है। नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? हाँ अमित छत्रियो को किया है ठीक है, भारतीय ही है ठीक है। कौन सा राज्य 100% विद्युतकरण ठीक है, विद्युत ये बिहारी है शादी है बिहारी है ये बिहार से ठीक है। कौन सा राज्य ठीक है 100% विद्युत का रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया, हरियाणा बन गया ठीक है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय किसके साथ समझौता किया है? भारत पेट्रोलिंग लिमिटेड। पूरे भारत का दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता कब तक बन जाएगा? 26 तक। पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया, क्या बताएंगे? नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज का बचाव का अभ्यास किसने किया, क्या बताएंगे? आईएनएस चिल्का ने अग्निवीर के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ध्यान में रखेंगे ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी, चिनाब पुल की ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर ठीक है। जाइए एक बार चिनाब जो है इसका पानी बहुत ठंडा होता है, एक बार यहाँ पे अंदर थोड़ा सा गहराई माफ कराइए ठीक है। 359 मीटर सही है कि नहीं ठीक है, आगे चलते हैं। 29 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया वन एवे इंडिया मिशन 2 का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, मतलब किस लॉन्च से मतलब इसका नाम क्या है, लॉन्च वाहन का नाम क्या है? LV-M3 ठीक है, ध्यान में रखें ठीक है। एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या रखा गया, इंदिरा गांधी मेमोरियल ठीक है। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस को जमानत याचिका के दौरान किए ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी का प्रयोग किया है ठीक है, पंजाब और हरियाणा। हाल ही में किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया, क्या नाम है? वासुदेवन नायर ठीक है। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, क्या बताएंगे? बॉम्बे देशरी। संगीत बटा 4% बढ़ाकर कितना कर दिया, क्या बताएंगे? 40 से 42 किया ना, 4% इतना कैसे बढ़ा देगा, 4% बढ़ गया है ठीक है, 42 हो गया पहले 38 रहा होगा वो बोल रहा है ठीक है। आगे चलेंगे ठीक है, चलिए। हाल में अर्जेंटीना के लुइस कैफेरेली के एबल पुरस्कार ठीक है, ये किस क्षेत्र का पुरस्कार है? एबल को मतलब बोलते हैं गणित का नोबल बोलते हैं, एबल पुरस्कार को गणित का नोबल बोला जाता है ठीक है। कौन सा राज्य हाल में स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ पारित किया है, कौन? राइट टू हेल्थ राजस्थान। राइट टू वर्क पंजाब। राइट टू साइट भी राजस्थान ठीक है। किस देश के टिम्पेन ने क्रिकेट सभी प्रारूपों से संन्यास लिया, ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन थे टिम्पेन। इस राज्य की प्रसिद्ध शिव शंकरी को 2023 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया और इसी के साथ पूजा समाप्त होता है ठीक है। प्रसाद लेने के लिए सभी लोग थोड़ा देर के बाद फिर से क्लास लेकर आऊंगा, 1 या 2 बजे से उस समय आया सभी लोगों को प्रसाद मिलेगा ठीक है। और इस तरह से आप लोगों के सहयोग से इस पीढ़ी का हम लोगों ने खत्म कर दिया ठीक है, ठीक है। फिर से इसको पढ़ना है ठीक है, लगभग 2-3 बार इसको कर लेना है ठीक है ना। यस सर।